नमस्कार, आप न्यूज 11 देख रहे हैं। बिहार में पुलिस सुरक्षा के लाखों दावे करती है, लेकिन राजधानी पटना ही सुरक्षित नहीं है। अपराधी हैं कि वो दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी के रिहायशी इलाके से अपराधियों ने बीबीए की एक छात्रा को अगवा किया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात तो कही है, सुनिए जरा क्या कुछ कहा सिटी सेंट्रल SP विनय तिवारी ने। सामने आई है और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, FIR भी करेंगे और सभी जो आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, जो जानकारी मिल पाई है उसमें जो एक युवक है वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह समर्थक बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर जो दूसरा युवक है वो किंग्स ऑफ पटना से संबंधित जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये सब तथ्य जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकते हैं और पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। सर, टोटल कितने आरोपी हैं इसमें बनाए गए हैं? इसमें हम लोग अभी FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं, जितने भी आरोपी होंगे सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, युवती ने आरोप लगाया कि हथियार के भय दिखाकर उसे गाड़ी में बैठाया गया और उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। जो भी तथ्य होंगे हम लोग प्राइमा फेसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही FIR की जाती है और अगर कोई ऐसा तथ्य सामने आएगा तो वह स्पष्ट रूप से किसी न किसी एविडेंस में सामने आ जाएगा, तभी उसकी पुष्टि हो जाएगी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी? जल्द गिरफ्तारी, जैसे कि पिछला केस भी आप लोगों ने देखा होगा, विदिन 2 से 3 दिन में हम लोग इस केस में गिरफ्तार। तो सुना आपने क्या कुछ कहा सिटी सेंट्रल SP विनय तिवारी ने। उससे पहले खुद पीड़िता ही सामने आई और उसने अपना दर्द सुनाया। जरा उस पीड़िता का दर्द भी सुन लीजिए। विनायक सिंह 2 दिन पहले हमसे मिला था और वो हमको बोला तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। और फिर हम, तुम जानती हो हम यहाँ के बहुत बड़े हरामी हैं, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। तो हम फिर वहाँ से 2 मिनट खड़े थे और फिर हम डर से भाग गए। कल हम जीवी मॉल गए तो जीवी मॉल में वो था, हम अपनी फ्रेंड से एक फ्रेंड से मिले और फिर वो हमको बोला 5 मिनट के लिए इधर आओ, बात करना है। फिर हम 5 मिनट के लिए उसके पास गए और वो बोला कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर उसके बाद वो चला गया, हम भी 10 मिनट बाद वहाँ से निकल गए और घर आ रहे थे तो पार्किंग में एक कार आया वाइट कलर का और फिर वो कार मुड़ाया और कार से निकला। वो निकला, उसका एक दोस्त कार में जाके बैठ गया और फिर तब तक एक दो लड़का अगल बगल आ गया कार का और फिर वो मुड़ के आया और फिर धीरे से पिस्टल सटा के कार के बगल में बोला जल्दी बैठो नहीं तो गोली मार देंगे, बस हमको 5 मिनट तुमसे बात करना। फिर चौराहा के पास 2 मिनट के लिए कार रुका, कार लॉक कर दिया था तो हम निकल भी नहीं पाए और चिल्लाए भी तो कोई आया भी नहीं हमको बचाने के लिए। तो फिर आया 2 मिनट बाद और पाटलिपुत्रा साइड PNM साइड हमको ले गया और एक फ्लैट था उस फ्लैट पे ज़बरदस्ती डरा के ले गया और फिर रूम बंद करके वो मेरे साथ बहुत गलत किया और फिर हम बहुत रो रहे थे और चिल्ला रहे थे और मेरा वीडियो भी वो बना लिया है। ये एक बेटी का दर्द नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। पटना में कुछ दिन पहले ही पटना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा था और एक बार फिर से स्थितियां कुछ उसी तरीके से है, जहां एक बार फिर से एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या समर्थन करने वाले की कब सुधरेगी मानसिकता, कब लोगों की सोच बदलेगी और कब बदलेगा प्रशासन का रवैया? न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।